छिलकों के जूस कप। जमीनपुर में सुरेंद्र और शारदा नाम का एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। वो बड़ी कुशलता से अपना एक फ्रूट जूस सेंटर चला रहे थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी ललिता। ललिता को पर्यावरण से बहुत प्यार था। एक दिन शारदा खाना बना रही होती है, ललिता टेबल पर बैठकर सब्जी काट रही थी। माँ, मैंने आपको प्लास्टिक कवर में कोई भी चीज लाने को मना किया है ना, अपना थैला ले जाने के लिए कहा है। मैं क्या करूँ बेबी, हर कोई इसी में देता है, मैं तो अपना थैला लेकर गई थी साथ में। माँ, जब ये दे रही हूँ तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप एक बैग साथ लाई हैं। उसी समय सुरेंद्र भी प्लास्टिक के कवर में फल लेकर आता है। उसे देख कर ललिता बहुत गुस्सा हो जाती है। पापा, जब आप फल लेने बाजार जा रहे थे तो मैंने आपसे क्या करने के लिए कहा था? तुमने कहा था कि थैला लेकर जाऊं, और मैं बिना कुछ बहस किए लेकर भी गया था, लेकिन फल बेचने वाले ने हमें प्लास्टिक के कवर में फल डाल कर दिए, तो मैं क्या करता? क्या आपने उन्हें प्लास्टिक कवर में ना देने के लिए नहीं कहा, और ये साथ लाए थैले में ही डालकर दे फलों को? देखो बेबी, यहाँ हर कोई अपने तरीके से चलता है। आप मेरी बेटी हो इसलिए मैं आपकी सुनता हूँ और बात को मानता भी हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी बात माने। लेकिन पापा, प्लास्टिक के उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, यह पहले से ही काफी नुकसान झेल चुका है। अगर हम नहीं संभले तो इससे बहुत सारे जलवायु परिवर्तन होंगे। हमें सबके हिसाब से ही रहना होगा बिटिया। फिर सुरेंद्र फलों को अपने जूस कॉर्नर में ले गया, ललिता भी उसके साथ गई। वहां वो अपने माता पिता को डिस्पोजेबल ग्लास में जूस देते हुए देखती है, लेकिन जो कोई ग्राहक पार्सल करने के लिए कहता तो वे उन्हें प्लास्टिक कवर में पैक करके ही देते। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर लौट आती है। मैं अपने माता पिता को प्लास्टिक कवर की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझा पा रही हूँ। जब मैं अपने मम्मी पापा को ही नहीं समझा पा रही तो किसी और को क्या समझाऊंगी? बदलाव की शुरुआत मेरे घर से होनी चाहिए। ये सोचते हुए ललिता अपने घर में रखे फलों के पास आती है। उन्हें देखते हुए उसे एक बेहद अच्छा विचार आता है। जूस बनाते समय फलों के ऊपर का छिलका तो उतर जाता है, फल के अंदर का गूदा निकालने के बाद अगर तरीके से निकाला जाए तो छिलका एक कप के आकार का बनता है। फिर अगर उसी को कप की तरह इस्तेमाल कर जूस परोसा जाए तो ये तो बड़ा मजेदार होगा। वो इस विचार पर बड़ी खुश होती है। वो इसे इस्तेमाल में लाने के लिए अपने मम्मी पापा की दुकान पर वापस लौटती है। उसके माता पिता उसे वापस दुकान पर आया देखकर हैरान हो जाते हैं। वो ग्राहकों से पूछने लगती है कि उन्हें किस फल के रस का जूस पीना है। वो गूदा निकाल कर देती है। पापा, इसका जूस बना लो। सुरेंद्र जूस बनाता है, ललिता उसे छान लेती है और फिर उसी फल के छिलके में परोस कर देती है। ग्राहक पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर उसकी अकलमंदी की सराहना करते हैं। उसके बाद से उनकी दुकान में डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल बंद हो जाता है, केवल फलों के छिलकों को कप के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये बात एक से दूसरे तक पहुंचती है और वहां कई लोग जूस पीने आते हैं, उनकी आमदनी बढ़ जाती है। उधर पर्यावरण प्रदूषण के लिए उसकी इस कोशिश पर वो बहुत खुश होती है। सीनिया रसूलपुर गांव के गरीब परिवार से था और वो एक मजदूर के रूप में काम करता था। जो भी मजदूरी उसे मिलती उससे वो अपनी पत्नी शारदा, एक बेटी और लकवे से बीमार पिता की देखभाल कर रहा था। एक दिन अपने काम पर जाने से पहले वो अपने पिता के पास गया। पिताजी, मैं काम पर जा रहा हूँ, शारदा आपको खाना और दवाई दे देगी। बिस्तर पर पड़े पिता ने सीनिया को कुछ बताने की कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बता पाए। क्या हुआ पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या पुराना घर कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या बताना चाह रहे हैं? सीनिया के ऐसा कहते ही वीरा के चेहरे पर चमक आ गई। वाह, दी, वाह का मतलब वो और दी का मतलब दीवार होगा। सीनिया को लगा कि उसके पिता चाहते हैं कि वो उनके पुराने घर की दीवार फिर से बनाए। पिताजी, मैं कड़ी मेहनत करने के बाद भी बड़े जतन से आपकी दवाओं के लिए पैसे जुटा पाता हूँ। आपका बड़ा बेटा मुश्किल से एक बार आपसे मिलने आया बस, और कभी आपके लिए दवाओं के लिए पैसे भी नहीं भेजे।
सीनिया की दुख भरी बातें सुनकर वीरा रोने लगा और ये देखकर सीनिया चुप हो गया। अच्छा ठीक है पिताजी, मुझे लगता है कि आपको दुख है कि पुराने घर की दीवार गिर गई थी, है ना? मैं कल उसे ठीक कर दूंगा। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, शारदा ने उसका खाने का डिब्बा उसे पकड़ाया और बोलने लगी, पिताजी की दवाएं खत्म हो गई है, इसलिए घर वापस आने से पहले खरीद लेना। ठीक है शारदा, तुम पिताजी का ध्यान रखना। हाँ हाँ, लेकिन आजकल मैं हमेशा उन्हें कुछ घा बोलते हुए सुनती हूँ। मुझे लगता है वो पुराने घर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं जी। हाँ, वो इस बात से चिंता में है कि दीवार गिर गई है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो काम मैं कल जरूर कर दूंगा। फिर उसने अपना डब्बा लिया और काम पर चला गया। अगले दिन वो पुराने घर पर गया और वहां गिरी हुई दीवार को देखा तो उसे पता चला कि पुराने घर की मरम्मत के लिए उसे बगल की दीवार को गिराने की जरूरत है। फिर वो एक लोहे की छड़ से दीवार पर मारना शुरू कर देता है। अचानक उस दीवार से हीरे और सोना निकलने लगा। दीवार से सोना और हीरे निकलते देख सीनियर चौंक गया और उसे लगा कि ये कोई सपना है, लेकिन फिर उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, सीनिया भूत, हे भगवान, यहाँ तो कोई भूतनी है। हाँ, वो भूतनी भूतनी चिल्लाने लगा, डरो मत सीनिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो एक अदृश्य जादुई लड़की हूँ, मुझे इस तरह की दीवार बन जाने का श्राप मिला था। तुम्हारे पिता ने मुझे दीवार में बदलते देखा और तब से वो किसी से बात नहीं कर सके। बाद में भाइयों में लड़ाई हो गई और सबने इस घर को छोड़ दिया। तब से मैं किसी के यहाँ आने और मुझे श्राप से मुक्त करने की प्रतीक्षा में थी। तब सीनिया समझ गया कि उसके पिता क्या बताना चाहते थे। बहुत अरसे बाद तुमको श्राप से मुक्ति मिली, इसीलिए दिए तुमने सोने और हीरे। हाँ, तुमने सही समझा। वो आवाज के आगे झुका और खजाना लेकर घर चला गया। उसके पिता की बीमारी भी ठीक हो गई, उसने एक बड़ा सा घर बनवाया और खुशी से रहने लगा।